स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आगाज पालमपुर में हुआ। वेस्टर्न हिमालयन सोसाइटी फॉर अवेयरनेस एंड अपलिफ्टमेंट के तत्वाधान में आयोजित की जा रही कार्यशाला में देश भर के करीब 2 दर्जन जानकारों ने भाग लिया। कार्यशाला के आगाज पर वक्ताओं ने स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के फायदे और नुकसान पर विचार रखे। प्रमुख वक्ता देवेंद्र शर्मा ने स्मार्ट सिटी इन हिमालयन लैंडस्केप का व्याख्यान किया। कार्यशाला के आयोजक पवी सरीन ने कहा कि कार्यशाला में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों ने अपने विचार साझा किए। यहां से जो निष्कर्ष निकले हैं उन्हें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कार्य आरंभ कर दिया गया है, परंतु अभी भी आम जनमानस इस अवधारणा से अनभिज्ञ है। ऐसे में बिना जन सहभागिता के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अधूरी है। जो इस सेमिनार की ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि हम हर एक चीज की अवेयरनेस पहले क्रिएट करें। अपलिफ्टमेंट तभी हो सकती है जब उसकी अवेयरनेस होगी। हमने ये देखा कि इस स्मार्ट सिटी की एक्टिविटी में अवेयरनेस बहुत ही कम है, इसीलिए हमने कोशिश ये की कि हिमाचल से बाहर से जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो आए और अपने अपने थॉट्स रखें और उसको हम रिकॉर्ड करें, उसको हम असेस करें और फिर हम अल्टीमेटली ये हम हिमाचल गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, सो दैट दे कैन गिव दी स्मार्ट सिटी अ कंप्लीटली न्यू लुक। अभी आपने देवेंद्र शर्मा जी की नोट स्पीच को सुना, उन्होंने इस स्मार्ट सिटी की एक्टिविटी को डिक्राई नहीं किया, उन्होंने इसकी अवेयरनेस बढ़ाई है ताकि इसकी अवेयरनेस से आम पब्लिक में, गवर्नमेंट में और लोगों में जागरूकता। सर, सेमिनार के पालमपुर को ही क्यों चुना गया? एक तो ये बात है, आई एम प्राउड ऑफ माई सिटी, पालमपुर मेरी सिटी है और मैं ये चाहता हूं कि पालमपुर शुड बिकम द नेक्स्ट स्मार्ट सिटी। दूसरी बात यह है, हमारा ऑफिस यहां है, हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इधर से उधर ज्यादा जा नहीं सकते, थोड़ा सा खर्चा करते हैं, वो उसके लिए हमने यही सोचा कि यहां से इजी यही होगा कि हम पालमपुर में इसको करें। और पालमपुर और धर्मशाला में कोई फर्क नहीं है, हम लोग हार्डली 1 घंटे के रास्ते में वहां पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। सो आई डोंट कंसिडर पालमपुर अवे फ्रॉम धर्मशाला। कितने लोग इसमें भाग लेंगे? इसमें स्पीकर्स तो एक्सपर्ट कोई जो एक्सपर्ट्स हैं, आई थिंक देयर अबाउट 23 तो आज ही है, अनफॉर्चुनेटली सबको शायद चांस मिले ना या ना मिले, लेकिन हमने ये सोचा है कि उनकी पैनल बना के। सभी इंडिया से ही हैं, बाहर से नहीं? नहीं, ये एट द मोमेंट इंडिया से हैं, लेकिन हमने बाहर से भी लोगों को बुलाया था। बाहर वाले लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था और उन्होंने ये सोचा कि पहले आप ये सेमिनार कर लीजिए और दूसरा सेमिनार करेंगे तब हम आएंगे।